गुरुकुल डे टू में अपन, गुरुकुल अगर अपन डे टू की बात करें तो क्या सर इसमें हम आज भी कुछ सिस्टमेटिक क्वेश्चंस करेंगे? आंसर इज यस। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इफ फाइंड द एंगल मेड बाय द Tower of height and which cast a shadow of 10 root 3 on the ground. If a person is standing 5 meter away from the base of tower, find shadow of find the length of his shadow. Sir, question काफी अच्छा है। मैंने बोला मुझे भी लग तो रहा है, फिर भी इस question को अपन समझते हैं और systematic करने की कोशिश करते हैं। गुरुकुल day two में कहीं ना कहीं ये आपका height and distance का पहला question लिया है मैंने, तो सर इसको अगर अपन समझे तो ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है और सिस्टमेटिक समझे कि सर देखो ये टावर है। मैंने बोला ठीक है, तो है अब यहां से उसका एक एंगल एक पॉइंट पे हो रहा है, कितना मुझे नहीं पता कितना है, बट ये बात है कि टावर शायद 10 मीटर का है और कि शेडो कितनी है 10 root 3। तो स्टेप वन तो आपकी ये बोलती है कि एंगल निकालना है, पता नहीं एंगल मुझे दिल से 10 थीटा की तरफ इशारा कर रहा है जो कि होता है पी बाय बी, अगर इसमें लगाया तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस, तो इट वुड बी 10 अपॉन में 10 रूट 3। तो सर अगर अपन अच्छे से बात करें और आराम से बात करें तो इट वुड बी 1 बाय रूट 3। जितना मैं समझता हूँ 10 थीटा में 1 बाय रूट 3 30 डिग्री पे आता है, तो थीटा तो हो गया 30 डिग्री। सर अच्छी बात है, थीटा कितना हो गया? तो सर इसमें क्या है एमसीक्यू भी क्वेश्चन बने, तो पहला क्वेश्चन तो होगा ठीक है कितना बन गया आपका। अब बोल रहा है कि भाई एक पर्सन है, इफ ही इज स्टैंडिंग 5 meters अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, मतलब अगर मैं बात करूं तो ये देखो 5 meter अवे फ्रॉम द फुट ऑफ, अब अगर ये पर्सन यहां पे खड़ा हुआ है, अब बोला है कि भाई इसकी शेडो कितनी होगी, और मैं तो ये बोलता हूँ फाइंड द हाइट ऑफ द पर्सन, find the height of person is, तो सीधी सी बात है अगर ये 5 meter इधर खड़ा है तो इसका मतलब ये पूरा कितना है 10 root 3, हाँ कि ना, पूरा कितना है 10 root 3। और सर अगर अपन अच्छे से बात करें 10 root 3 की वैल्यू 10 into 1.73, मतलब 17.3, total distance कितना है 17.3। तो सर 17.3 में से 17.3 में से 5 मीटर तो डिस्टेंस है, तो जो बाकी बची हुई क्या वो इसकी शेडो हो गई? हाँ, क्योंकि शेडो तो जमीन पे बनती है ना। तो सर ये जो आपने रेड रेड से बनाया कि ये शेडो है, मैंने बोला हाँ 17.3 में से अगर तुम 5 हटा दो, 17.3 में से अगर तुम 5 हटा दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 12.3, क्या हो जाएगा आपके पास 12.3। सर अगर अपन आगे की बात करें तो ये P और Q है पर्सन की हाइट, ठीक है सर 12.3 क्या गई शेडो, 12.3 क्या गई शेडो, ये पूरी 10 root 3 थी, 10 root 3 में से कितना गया 5, तो बाकी बचा कितना 12.3, गेटिंग इट। अब इस बंदे की अगर अपने को हाइट पता करनी तो मैं अगेन थीटा तो वही है,
सर कौन सा ट्राइंगल बोलोगे, पी क्यू आर बोल दूं इसको? तो सर इन ट्राइंगल पी क्यू आर टेन थर्टी डिग्री इज इक्वल टू कितना, टेन थर्टी डिग्री इज इक्वल टू पी क्यू आर है ना, इज इक्वल टू कितना, वन बाय रूट थ्री इज इक्वल टू जो भी इसकी हाइट है उसको मान लेते कितना, एच एच अपॉन में कितना 12.3, तो क्योंकि ये पूरा कितना था 17.3, तो से पांच कट गया तो बचा कितना यहाँ 12.3। तो सर बात तो अच्छी है, मैंने बोला हाँ मतलब मुझे तो अच्छी लगी कहीं ना कहीं ये बात। तो सर इसको अपन कैसे गेम चलाए, तो एच इज इक्वल टू 12.3 इंटू रूट थ्री, दिस इज द हाइट ऑफ पर्सन। सर का क्वेश्चन अच्छा था, मैंने बोला हाँ यार ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं उनकी अच्छी बात क्या है कि ये आपको अलग अलग जगह से घुमाएंगे, मतलब कभी आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक कराएंगे तो कभी क्वाड्रेटिक कराएंगे। सर इससे सबसे बेस्ट पार्ट क्या होगा कि आपको मिसलिनियस चीजों का रिविजन मिलेगा। मैं थोड़ा सा इन कंटिन्यूशन चलूंगा कि इसका फोटो डाल दिया मैंने आपको, ठीक है? तो सर करने का वक्त दूंगा, करने का वक्त दूंगा अगर मैं बात करूं तो अगर अपन अच्छे से बात करें तो हम किस तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द, जो मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन रूट टू एक्स स्क्वायर, साथ में चलेगा रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव रूट टू इक्वल टू जीरो। सर ठीक है कहीं ना कहीं अच्छी बात। स्टेप वन हम लोग करना था रूट टू इंटू फाइव रूट, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई, फाइव रूट टू इंटू रूट टू करेंगे तो सर रूट टू इंटू रूट टू कितना हो गया, टू फाइव इंटू टू, फाइव इंटू टू तो कितना आ गया तुम्हारे पास टेन, कितना आ गया तुम्हारे पास टेन। तो सर बीच वाले सेवन को दो हिस्सों में ऐसे तोड़ना है कि जो दो हिस्से टूटे वो हो तो क्या सेवन, लेकिन मल्टीप्लाई में कितना आ जाए 10। तो क्या सर उसको अपन टू और फाइव में तोड़ सकते हैं? सर क्वेश्चन दिखने में बड़ा डरावना लगा रूट रूट का, लेकिन रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव रूट टू इज इक्वल टू जीरो। अब अगर सर हम आपसे बात करें तो यहां से रूट टू कॉमन ले लिया जा सकता है, रूट टू एक्स कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा एक्स प्लस रूट टू, यहां से फाइव कॉमन ले सकते हैं ब्रैकेट में कितना आ जाएगा एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू कितना। सर थोड़ा सा अगर अपन इसको अच्छे से देखें तो क्वेश्चन हमें किस तरफ का चीज बता रहा है, इसका आंसर आ जाएगा रूट टू एक्स प्लस फाइव, मतलब एक ये ब्रैकेट और एक क्या एक्स प्लस रूट टू, क्या एक्स प्लस रूट टू। सर ये भी ठीक है, मतलब इसको प्रॉब्लम वाली बात नहीं, मैंने बोला हाँ, लेकिन उसने अभी तक तुमसे क्या पूछे है रूट, क्या पूछे है रूट। तो जब आपको रूट निकालने हो तो आपको दोनों को इक्वल टू क्या करना पड़ेगा जीरो, तो एक तरफ आप लिखोगे रूट टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो और दूसरी तरफ लिखोगे आप एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू कितना जीरो। तो सर जो एक रूट आएगा वो आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू गया फाइव उधर माइनस फाइव बाय रूट टू, जो सेकंड रूट टू आ जाएगा प्लस माइनस। सर ये क्वेश्चन गुरुकुल डे में क्यों शामिल हुआ, क्योंकि इसमें जो रूट देख के बहुत बार बच्चा डर जाता है, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो अब पूर्ण रूट, अगर अपन अगले चीज देख लें तो यहाँ पे तो एक करेक्शन था 12.3 अपॉन में रूट थ्री आएगा ना कि मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री आएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे अगला क्वेश्चन लूं आज के दिन का तो सर आप कैसा क्वेश्चन लेना चाहिए, मतलब यार क्वेश्चन तो काफी अच्छा है। अगर आपसे पूछा गया हो कि इफ एस ऑफ एन इज थ्री एन स्क्वायर माइनस फोर एन, फाइंड a of n as a terms of ab, as a
टर्म्स ऑफ एबी। तो सर आप क्या समझाना चाहिए? मैंने बोला देखो यार, मैं तो इतना समझा सकता हूँ कि जब मैं जैसे एस वन लिखता हूँ तो यहाँ पे 3 × 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 1, 3 − 4 इज माइनस, ये सम ऑफ वन टर्म है। और सम ऑफ वन टर्म मतलब फर्स्ट टर्म ओनली भाई, सम ऑफ वन टर्म मतलब क्या, फर्स्ट टर्म। तो जब इसी में आप एस ऑफ टू लिखते हो, मतलब 3 × 2 का स्क्वायर −4 × 2, तो कहीं ना कहीं ये 3 × 4 −8, मतलब 12 − 8 इज इक्वल टू 4। दिस इज सम ऑफ टू टर्म्स, दिस इज सम ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस व्हाट सेकंड टर्म, माइनस वन प्लस ए टू इज इक्वल टू कितना, 4। सर क्या ये सेकंड टर्म है? सम ऑफ टू टर्म्स है, सम ऑफ टू टर्म्स है, क्या ये सम ऑफ टू टर्म्स? ठीक है ना, एस टू पुट कर दो कितना आएगा, सम ऑफ टू टर्म्स। तो सर अगर अपन इसको अच्छे से ध्यान दें और अगर ये इधर आ जाए तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इज इक्वल टू कितना, ए टू। सर थोड़ा सा और अगर अपन लेके चले तो मतलब, चल ठीक है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप यहीं पे S3 भी निकाल के। सर S3 का मतलब क्या, 3 × 3 का स्क्वायर −4 × 3, मतलब 3 × 9 − 12, 27 − 12 इज वॉट, 15। क्या ये थर्ड टर्म है कि सम ऑफ थ्री टर्म्स? सर ये सम ऑफ थ्री टर्म्स है, जिसमें कि हमको पता है कि सम ऑफ टू टर्म्स कितना है, 4। चेक करो, सम ऑफ टू टर्म्स आया था ना 4, यहीं पे सम ऑफ टू टर्म्स कितना आया था, 4। तो सर अगर अपन समझे तो आपकी A3 क्या निकल गई, 11। 11। सर ऐसा करते करते आप इशारा किस तरफ करो, पहली टर्म माइनस, सर दूसरी टर्म कितनी, सर दूसरी टर्म है आपके पास 5, तीसरी टर्म आपके पास कितनी है 11। इन शॉर्ट कहीं ना कहीं इसमें से क्या तुमको एपी की बदबू आ रही है क्या, कि −1 में 6 ऐड हुए तो 5 है, फिर 6 ऐड हुए तो कितना है 11, फिर 6 ऐड होंगे तो क्या आएगा 17। तो सर कहीं ना कहीं लग तो रहा है कि इसमें एपी की बदबू है। अब उन्होंने सिर्फ इतना पूछ लिया आपसे कि इसकी ए ऑफ एन निकाल, ए ऑफ एन का मतलब ही क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, गॉट इट? तो सर ए कितना आपके पास, −1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना, डी 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 इज 6। तो सर आपकी जो ए ऑफ एन है वो हो जाएगी −1 प्लस 6n − 6, तो ए ऑफ एन इज इक्वल टू 6n − 7। ए ऑफ एन इज इक्वल टू 6n − 7। सर का ये आंसर था, मैंने बोला हाँ। क्वेश्चन में देखो दिया हुआ क्या था, एस ऑफ एन, देखो निकालना क्या था, ए ऑफ एन। सर क्या ये एनसीईआरटी में भी गिवन है? आंसर इज यस। क्या सर ये क्वेश्चन काफी लायक क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ, उसको जरा सा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा ये ना। सर एक बार छोटा सा रिवीजन, तो एस ऑफ एन गिवन था, आपने क्या पुट करा पहले, S1 S2 S3 से आपने तीन सम निकाले, फर्स्ट सम से आपको A1 मिला, सेकंड सम से आपको A1 प्लस A2 मिला, और थर्ड सम से क्या मिला, A1 प्लस A2 प्लस A3। आपने टर्म्स निकाली, आपका एक एपी फॉर्म हुआ और गेम आगे बढ़ा। तो सर हौले हौले सिस्टमेटिक तरीके से प्यार से करना शुरू करो। सर गुरुकुल गुरुकुल डे 4-2 का फोर्थ क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से है, इफ एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू टेंजेंट टू द सर्कल, आर टू टेंजेंट टू द सर्कल and a line, and a line joining these tangent makes again
इज अ टेंजेंट टू द सेम सर्कल इंटरसेक्टिंग एट ए एंड बी. इंटरसेक्टिंग एट ए एंड बी टू टेंजेंट प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज 90. प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज 90. सर अगर हम आपसे बात करें और सिस्टमेटिक बात करें तो हम किस तरफ चल रहे हैं, कुछ नहीं बताना चाहता, वो क्वेश्चन की नजाकत को इस तरफ लेके समझना चाहता है आप लोगों से कि भाई ये सर्कल है हमारा, ठीक है. ये तुम्हारे पास एक्स वाई टेंजेंट है, ये तुम्हारे पास एक्स डैश वाई डैश. एक टेंजेंट जो y और y डैश से मिलते मिलते तीसरा टेंजेंट बन रहा है सर्कल, और इन दोनों टेंजेंट को इंटरसेक्ट कर रहा है किस पे, a और b पे. तुमसे पूछा जा रहा है कि प्रूफ करो कि एंगल a o b कितना है 90. बस इस एंगल को 90 प्रूफ. सर देखो, दिल है कि मानता नहीं और दिल तो बच्चा ही है, मैं इस इक्वेशन में रेडियस ड्रॉ करना चाहूंगा. रेडियस, रेडियस टू टेंजेंट 90 होता है. अगेन अगर मैं बात करूं तो अगेन रेडियस, रेडियस टू टेंजेंट 90 होता है. अगेन रेडियस, रेडियस टू टेंजेंट कितना होता है 90. तो सर बातें कुछ ऐसी हैं कि रेडियस टू टेंजेंट, रेडियस टू टेंजेंट कितना होता है 90, ठीक है. अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं अच्छे से, तो मैं इन ट्राइंगल्स को कुछ नाम देना चाहता हूं मेरी तरफ से, अगर तुम अलाउ करो तो. यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूं बी, तो बी तो दे दिया, सी, सी भी यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे पी और क्यू दे देता हूँ अगर तुम अलाउ करो. सर ठीक है, मतलब आप जैसा बोलो, ये पी और ये क्यू. मैं आपसे बोलना चाहता हूं इन ट्राइंगल ए ओ पी, A O P and triangle A O C, क्या O P is equal to O C है क्या? Yes. क्या O A is equal to O A है क्या? Common. और कोई मुझसे पूछे तो मैं तो 90 बोल सकता हूँ, और ये बोल सकता हूँ P A is equal to क्या है? A C, tangent to radius, चाहो जो इच्छा हो तुम्हारी. क्या एंगल इसको 90 लिखना है कि क्या लिखना है, जो तुम लिखो. अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम ये भी लिख सकते हो कि सर पी ए इज इक्वल टू क्या है, ए सी टेंजेंट टू रेडियस. टेंजेंट टू व्हाट? रेडियस, सही है क्या? तो इसका मतलब सर ट्राइंगल तो कॉन्वेंट हो गए, एस 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 कॉन्वेंट हो गए, एस एस एस. सर बाय सीपीसीटी सिर्फ एक ही बात बोलना, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू टू एक्स. सर बातें तो आप मन की ही कर रहे हो, मैंने बोला हाँ मन की बात ही होती है वैसे. अब अगर आगे की बात करें तो नीचे के दो ट्राइंगल सेम इसी तरीके से लो. इन ट्राइंगल बी ओ क्यू, बी ओ क्यू एंड ट्राइंगल बी ओ सी, बी ओ क्यू बी ओ सी, शायद ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी क्या है, रेडियस. OB is equal to OB क्योंकि क्या है, कॉमन. और शायद BQ is equal to BC क्या है, tangent, tangent to circle. तो ये ट्राइंगल भी SSS से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट. बोला हाँ कोई प्रॉब्लम वाली बात. पर सर आप समझाना क्या चाहते हैं कि एंगल 3 is equal to एंगल 4 is equal to कितना. अगर सर ये ऊपर वाले x x हो गए, नीचे वाले क्या हो गए? सर इन शॉर्ट आपने SSS लगाया दो बार, मैंने बोला हाँ सही बात, SSS लगाया दो बार, मैं खुद ही बोल रहा हूँ. सर आप बोलना क्या चाहते, मेरा दिल है कि मानता नहीं, देख इसको 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 सबको प्लस करके चाहे स्ट्रेट लाइन बन रही. तो एज वी नो डेट पी ओ क्यू इनडायरेक्टली क्या है,
डायमीटर एंड स्ट्रेट लाइन। डायमीटर होता है स्ट्रेट लाइन। तो क्या बोल सकता हूं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 180। ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 या एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 90। अब अगर x प्लस वाई 90 है, अगर x प्लस वाई 90 है, ये x प्लस क्या यही एंगल AOB है क्या? AOB क्या यही था क्या? क्या यही AOB था? क्या यही AOB है? चेक करो। हाँ, तो एंगल AOB कितना हो गया आपके पास 90। क्या यही प्रूफ करना था? यस, क्योंकि x प्लस वाई कितना है, अगर अपन देखें तो x प्लस वाई को तुम देखोगे ध्यान से, तो x प्लस वाई मतलब एंगल ए ओ बी कितना हो जाए 90। क्या सर क्वेश्चन अच्छा था? मैंने बोला दो बार एस 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 लगाई और एक बार क्वेश्चन करा, इससे ऊपर क्या लोगे? इजी क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन था।